हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज आपके लिए एक लेटेस्ट जॉब लेके आए हैं। वो लेटेस्ट जॉब क्या है, इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले क्या करना है, गूगल पे डेल करिए, सर्च कर लेना, फर्स्ट लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेंगे। और हम लोग लेटेस्ट जॉब की बात करें तो लेटेस्ट जॉब के कॉलम में आएंगे और हम बात करने वाले हैं UPRV UNL JEE ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की तरफ से जूनियर इंजीनियर की रिक्रूटमेंट निकली हुई है। अब इसके एग्जाम डेट की बात हम लोग कर लेते हैं। इम्पॉर्टेंट डेट जो है, नोटिफिकेशन आउट हुआ है 18 मार्च में आउट हुआ है, 18 मार्च से आउट हो गया है इसका नोटिफिकेशन। लेकिन अभी डेट कुछ नहीं आई है कि कब भरा जाएगा, कब एग्ज़ाम होगा, कब एडमिट कार्ड आएगा, कुछ नहीं। लेकिन और बाकी डिटेल दे दिया गया है। अप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल OBC EWS के लिए ₹700 है, SC ST PH कैंडिडेट के लिए ₹500 है। एज लिमिटेड के लिए मिनिमम एज 18 ईयर और मैक्सिमम एज 40 ईयर है। टोटल वैकेंसी जो इसमें दिया गया है, लगभग 200 के आसपास पोस्ट दिया है, 196 पोस्ट है। पोस्ट कुछ पोस्ट हैं जूनियर इंजीनियर की, जैसे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स और जूनियर इंजीनियर कंप्यूटर, इन सब का दिया गया है। और सब में अलग अलग पोस्ट दी गई हैं। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन रिलेटेड ट्रेड्स, इसमें आपका डिप्लोमा होना चाहिए। मोर डिटेल आपको जल्दी ही मिल जाएगी। और जब ये डेट आ जाएगा उसका फाइनल, तो यहाँ से आप लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिंक, इस लिंक से आप अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं इजीली। और डाउनलोड शॉर्ट नोटिफिकेशन इस पे दिया गया है, यहाँ से इसकी नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, यहाँ से डाउनलोड करके आप इसे इजीली पढ़ सकते हैं। ओके, तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो। अगर आप इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये जल्द से जल्द इसका भरिए, क्योंकि इसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है और जल्द से जल्द इसका फॉर्म भरने भी लगा जाएगा। तो अपनी तैयारी रखिए। आई होप आपको ये अच्छी लगी हुई इन्फॉर्मेशन। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।